भगवान करे गोली चलाते वक्त तेरे हाथ न कांपे। आज से करीब 48 साल पहले यहाँ अमिताभ बच्चन सर का एक बैच होता है जो निकल गिर जाता है, जिस पे लिखा रहता है 786। ये वो पीछे लोकेशन है जहाँ से अमिताभ बच्चन सर पुलिस से भाग रहे होते हैं बच के, और पुलिस और कोई नहीं उनका भाई रहता है। आज मैं आप लोगों को दीवार फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, बट कुछ एक अलग अंदाज से, क्योंकि काफ़ी कमेंट करते हैं कि लोग कुछ अलग अंदाज दिखाओ अपना। तो बट यही वही लोकेशन है जो आज से 48 साल पहले किस तरह की थी, और आज के समय 2023 में ये लोकेशन कैसी है। तो पूरा का पूरा व्यू दिखाऊंगा, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ इस लोकेशन के बारे में जो शायद आपको सुन के अच्छा लगने वाला है। ये आप लोग देखोगे, ये वो पूरी लोकेशन है जहाँ से अमिताभ बच्चन सर भाग रहे होते हैं, और यहाँ आप लोगों को एक तरह के पैर रखने की जो जगह रहती है ना, उसके पट्टे देखने को मिलेंगे। तो एक ही सीन को जो है वो बार बार रिवाइंड करके रखा गया था, मतलब यहाँ से वो भाग रहे हैं, फिर यहाँ से उस सीन को रिकॉर्ड करा, फिर वो वहाँ से भाग रहे हैं, तो कुछ इस तरह से सीन था। एक सीन्स में आप लोगों को आगे जाके थोड़ा सा दिखाता हूँ वो किस तरह से रिकॉर्ड हुआ था इस लोकेशन पे। फिल्म में सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, जब अमिताभ बच्चन सर भाग रहे हैं तो एक सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्क के अंदर से लिया गया था, जो पार्क के अंदर की जो रेलिंग होती है वो बाहर दिखती है और ये एरिया दिखता है। अमिताभ बच्चन सर इस लोकेशन से भाग रहे होते हैं, यहाँ से चल के जा रहे होते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ एक पायदान नीचे बिछा रहता है, ये वही रोड है, ये वही चौराहा बोल सकते हैं कि यहाँ से वहाँ से अमिताभ बच्चन सर भागते हुए आ रहे हैं। तो इसके अंदर से वो जा रहे होते हैं, पूरा का पूरा फिक्स रोड समझ सकते हो कि एक चलने की एरिया या है कुछ है, ठीक है, वगैरह वगैरह। यहाँ से उस सीन को रिकॉर्ड करा गया था, और बट आप लोगों को ये बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। ये सब चीज़ें मैं ब्रिटिश ज़माने की जो हर बार बताता हूँ, बट अभी कुछ यूनिट हो रहा है तो बट काम भी चल रहा है यहाँ पर। इस तरह से उस मूवी के सीन्स को रिकॉर्ड करा गया था। फिर एक सीन ऐसा है कि अमिताभ बच्चन सर भागते भागते उनका जो है बैच है ना वो गिर जाता है, तो अमिताभ बच्चन सर किस जगह से भाग रहे होते हैं वो सीन मैं आप लोगों को एक बार आगे जाके दिखाता हूँ। वो ये जगह है, ही आप लोग देखोगे यहाँ से अमिताभ बच्चन सर भागते हुए आ रहे होते हैं, नाइट का सीन होता है, उनके पीछे पुलिस पड़ी रहती है, और पुलिस उनका और कोई नहीं, उनका भाई रहता है। यहाँ से जब वो भागते हुए आ रहे होते हैं तो अमिताभ बच्चन सर का यहाँ बैच गिर जाता है, जब जैसे वो नॉर्मली भागते भागते चलते आ रहे हैं। यहाँ एक गेट लगा रहता है लोहे का, जो गेट आप लोगों को पीछे देखने को मिलेगा, हल्का सा दिखाता हूँ, वो ही सेम गेट यहाँ लगा रहता था। इस जगह एक समय गेट था क्योंकि कोई अंदर ना जा पाए, क्योंकि ये सब जगह बहुत पुरानी है, आप लोग देखोगे तो ऊपर से भी काफ़ी पुरानी जगहें बोल सकते हैं, और इसमें घर भी है, लोग भी रहते हैं। तो यहाँ उस सीन को रिकॉर्ड करा गया था अमिताभ बच्चन सर के कैमरे में, मतलब आप लोग बैकग्राउंड में देखोगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फिर अमिताभ बच्चन सर का यहाँ वो भागते आते हैं तो इस जगह उनका एक बैच होता है, वो गिर जाता है 686 का निकल के, मतलब। तो अमिताभ बच्चन सर यहाँ खड़े होकर उस बैच को नीचे गिरकर हाथ देकर इस जगह से उस बैच को निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो सीन को इस तरह से रिकॉर्ड करा गया था, वो हाथ दे रहे हैं अंदर को बैच को निकालने के लिए, और यहाँ वो बहुत कोशिश करते हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब यहाँ रेलिंग लगी हुई है, वो बहुत हाथ दे रहे हैं मगर बैच उनके हाथ में ही नहीं आ रहा, पीछे से उनका भाई दौड़ता दौड़ता आ रहा है। तो वो सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हुआ था। एक तरह का सीन कुछ इस तरह का है, अमिताभ बच्चन सर का भाई वहाँ खड़ा रहता है, अमिताभ बच्चन सर के यहाँ गोली लगती है, आप ये जगह देख सकते हो, ये मैच कर सकते हो नीचे से, ये पूरा का पूरा वही सीन से सेम का सेम वही हिस्सा है। इतनी दूर से मैं आप लोगों को कहता हूँ, अमिताभ बच्चन सर के यहाँ गोली लगती है, तो उनका भाई यहाँ खड़े होके, मतलब उनकी माँ ने एक बात देने आओगी ना, जरूर आऊंगी। नाइट का सीन था, आप लोग देख सकते हो ऊपर से कितनी मतलब अमेजिंग सी लगती है बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें एक एक शेप आप लोग देख सकते हो किस तरह से लेके रखा है। तो यहाँ अमिताभ बच्चन सर के गोली लगी थी आज से 48 साल पहले, यहाँ इस जगह गोली लगती है, तो वो खड़े होकर, मगर फिर भी गोली लगने के बाद भी अमिताभ बच्चन सर इस रास्ते से भाग जाते हैं, रिवाइंड करते समय इस रास्ते से वापस भाग जाते हैं। एक सीन कुछ इस तरह से, यहाँ से कार चल के आ रही होती है, तो अमिताभ बच्चन सर वो कार में से उस आदमी को निकालते हैं आज से 48 साल पहले, मतलब उस कार में से उस आदमी को निकाल के कार चला के इस रोड से भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है GTA उन्हीं के थ्रू बना होगा, क्योंकि GTA में भी देखा है ना कार कैसे निकालते हैं, ऐसे सेम अमिताभ बच्चन सर कार निकालते हैं, कार निकालने के बाद कार में बैठने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं,
और उनके गोली यहाँ लगेगी। अब एक हल्का सा सीन था जो यहाँ से यूँ भागते हुए दिखाया गया था, आप लोग देखोगे, बट यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ था, वो नहीं है आज के समय में। तो इस तरह से उस मूवी का सीन था। उम्मीद करूँगा आज से 50 साल पहले की शूटिंग लोकेशन वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। भाई आज से 50 साल पहले और अभी के चेंजेस कुछ नहीं है इस लोकेशन पे, सेम की सेम लोकेशन है। और ये मूवी थी दीवार जो 1975 में आई थी। तो आप लोगों ने 1975 की शूटिंग लोकेशन देखकर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।